अब जब साक्ष्य होते हैं तो उसमें कौन सी चीजें सबसे अहम होती है, वो जो ठोस अदालत, क्योंकि ठोस चीजों को सामने देखता है। अब मालिकाना हक जिनका है, कब से का है आपके पास ये दस्तावेज? 450 वर्षो का है पुराना ये सब। देखिए कितना है सर? देखिए हमारी वसीयत जो है शुरू 1852 की है और 1874 की है और लेटेस्ट करंट हमारी 1968 की है। 1968 में पूरा ज्ञान वपी की चौहद्दी वगैरह पूरी दिखाएगी। इसी चौहद्दी में मस्जिद भी स्थित है और इसी चौहद्दी में हमारा ज्ञानवापी प्रांगण पूरा है, जिसमें नंदी है, श्रृंगार गौरी है और भी तमाम देवी देवताएं हैं, जिसका ये दीन मोहम्मद का एक 1937 का पहला फैसला है जिसमें बाकायदा ये मैप दिया हुआ है, आप देखेंगी तो ये विश्वनाथ जी हैं बाकायदा, इसमें महाकालेश्वर है, ये दक्षिण उत्तर, ये पश्चिम तरफ श्रृंगार गौरी है, इसी का विवाद जो चल रहा है, इसी का दर्शन साल भर में एक दफे जैसे मैं उतारा। मस्जिद ये बीच में पूरी मस्जिद है, ये पहले विश्वनाथ जी हुआ करते रहे। अभी अभी कहाँ क्या है? अभी ये यहाँ विश्वनाथ जी, अब जो करंट बहते जजमेंट लगा है, ये नक्शा लगा है, अब विश्वनाथ जी आपके इस तरफ चले गए हैं दक्षिण की तरफ, ये देखिए आप विश्वनाथ गत है, ये तहखाना ओंड भाई ब्यास लिखा हुआ है पूरा, ये तहखाना नीचे मस्जिद का जितना है ये ब्यास जी का मालिकाने में है, ऊपर तक मस्जिद उनकी है। तो इसमें हमारा उनका कोई अभी विवाद ऐसा नहीं था, वो अपनी जगह रहते रहे, हम अपनी जगह रहते रहे, परंतु ये ज्यादातर ये होता रहा कि श्रृंगार गौरी की पूजा जो है 1992 के बाद में एक दफे होने लगी, उस तरह से सरकार ने कराया। अब अगर सब दिन होगी तब भी हम भी सब दिन करेंगे, हमको तो नुकसान भी नहीं है, फायदा भी फायदा है। ये प्राचीन नक्शा है और ये जो नया स्वरूप, ये नया स्वरूप ये उसी के साथ है, जजमेंट के साथ है, पार्ट ऑफ द जजमेंट है ये, इसी फैसले का जो है, और 1937 का है जजमेंट, दीन मोहम्मद वर्सेस अदर्स। अच्छा। जी उस जजमेंट के अनुसार ये पूरा मालिकाना हम है, समझी गए। और ये 74 की वसीयतें भी हमारे पास, हम आपको बंद करो। हाँ। तो सारी वसीयत आपके पास है, वसीयत नामा आप दिखा रहे हैं, मालिकाना हक उस इलाके का है और पूरा है। हाँ। किसी के पास कुछ भी नहीं है, ये हमारी देखिए 1852 की वसीयत है, बिल्कुल उर्दू, ये उसका हिंदी अनुवाद है, ये 1874 की वसीयत है और ये 1968 की वसीयत है पूरी। अच्छा। पूरा और सारे चीजें आज भी उसमें 32 और 34 दुकानें थी, उनकी झरी वगैरह हम लेते थे और करंट फैसला 1959 का है कि सारी आसपास जितनी जमीन है सब ब्यास जी की जमीनें हैं, अभी नगर निगम, कोई दूसरा पर्सन उसको नहीं करे, लैंड बिलोंग टू बैजनाथ ब्यास, इसका बाकायदा फैसला है। तो आपको लगता है कि ये बहुत क्या मैं कहूँ सौहार्दपूर्ण तरीके से ये मामला सुलझेगा? ऐसा लगता नहीं है, सौहार्द तो नहीं बन पाएगा ये मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल राय है, क्योंकि होना ही चाहिए था कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें जो स्टेटस है वो मेंटेन रहना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार की है। अब नए फ्लड गेट खोलने का आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वो ऐसे खोलोगे तो सारे फ्लड गेट बहुत सारे खुल जाएंगे, हम हिस्ट्री को अंडू करने के लिए तो नहीं बैठे हैं और वो पॉसिबल भी नहीं है कि इस कंट्री में कि जहाँ हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहते हैं, बल्कि सारे धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, वहाँ सब मिलजुल के रहे, एकता बनी रहे और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है उसे फिर से न खोला जाए, वरना पूरा फ्लड गेट खुलेगा और फ्लड गेट खोलने वाली बात देश के लिए सही नहीं है। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि सौहार्दपूर्ण बनी रहे स्थिति, अभी बाबरी का निर्णय आया तो उसमें भी सभी लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन यह सौहार्दपूर्ण की जिम्मेदारी केवल हिंदू समाज के सनातनी समाज के लोगों के ऊपर ही हो, यह तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, सभी लोग सौहार्दपूर्ण से आप भी हमारा सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करें, हम तो तैयार हैं। क्या क्यों 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 नहीं बोलोगे? अभी आप ही वाली बात कहता हूँ ना, मनुष्य नहीं बलवान हो तो समय हो तो बलवान, भीलन लेके मार लिए वही अर्जुन वही बाण। कुछ दिनों पहले तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि सर्वे हो ये मंदिर है कि ये मस्जिद है, मैंने कहा ना कि मेरी एक आंख गंगा मेरी एक आंख जमुना, मेरा दिल है एक संगम जिसे पूजना हो, हम तो खिलाड़ी भी हैं और नमाजी भी हैं, तो हमने कहा कि यहीं से नहा के और नमाज भी पढ़ लेते हैं। और मैं भारत रत्न की बात करूं ना, बालाजी के मंदिर से निकले भारत रत्न हो गए, आज लोग सिर्फ चिड़ में उनके पास नहीं जाते। देखिए भारत तो बदल रहा है, देखिए यहाँ पर गंगा जी के ऊपर वो भी हो रहा है, पैराग्लाइडिंग हो रही है, बहुत चीजें, बहुत एडवेंचर स्पोर्ट्स भी। बहुत पहले आप ही के कार्यक्रम में मैंने कहा था कि आप लोग स्पोर्ट्स को तब दिखाते हो, अब कुछ खेल समाचार, ये काशी हमारी सारी दुनिया से अलग है, किसी ने कहा कि ये प्रयाग प्रयाग ये, लेकिन ये बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या इतिहास बदला जा सकता है? देखिए इतिहास में इन्होंने बदलना चाह रहे हैं या पुराने इतिहास को अपने स्वरूप में स्थापित, इतिहास को बदलना नहीं चाह रहे हैं, हिंदू
राष्ट्र का पुराना स्वरूप जो रहा है उसी को हम लाना चाहते हैं। देखिए, इतिहास तो कभी कोई बदल नहीं पाया, इतिहास जो हो गया वो हो गया, लेकिन भूतकाल में यदि कहीं कोई लड़ाई आस्था की लड़ाई है कि इतिहास, देखिए ये आस्था और इतिहास दोनों की लड़ाई है, केवल आस्था की लड़ाई नहीं कह सकते, ये इतिहास और आस्था की लड़ाई है। मेरी संपत्ति, अभी व्यास जी आके बैठे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, मेरी संपत्ति यदि किसी ने हड़प ली है तो मैं अगर लड़के नहीं हासिल कर पका, मेरी संतान उसे हासिल करेगी, स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। सिविल सूट कोर्ट में चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग लड़ते हैं, तो ये तो हो गया वो कि इतिहास बदलने की बात, वो इतिहास उस समय का था, आज इतिहास दोबारा रचा जाएगा, लिखा जाएगा, कोर्ट प्रोसीडिंग अपने तरीके से चलेगी, होगा पॉसिबिलिटी है, जब इतने ऑर्डर आए तो आगे भी प्रोसीडिंग होगी, क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अभी मैडम बात सद्भावना की होती है तो हमें 1600 से 1690 की याद आती है, नंदी जो कि उस विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा, उद्धार की कैसे सद्भाव होगा मैडम, नंदी जो कि नेपाल नरेश के द्वारा दी गई है कैसे सद्भावना होगा, सद्भावना हो तो आप महजिद को अपनी जिद खत्म करे, आज ही सद्भावना हो जाए, एक तरफ अल्लाह हो अकबर की आवाज हो, हर हर महादेव की आवाज हो और हम लोग सद्भावना की। ये विषय तमाम जगह उठता है कि देश में सौहार्द का माहौल बने, गंगा जमुना तहजीब, अभी बंधु ने मेरे कहा मेरी एक आंख गंगा एक आंख जमुना, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ समाज से, सभी से जो इस बात को कहते हैं, गंगा कौन सी संस्कृति है, जमुना कौन सी संस्कृति है, उसे स्वीकार कर लीजिए, सारा सौहार्द ही बन जाएगा। लेकिन अभिषेक होगा, मामला किस तरीके से निपटेगा, क्योंकि अभी तो कोर्ट का सख्त आदेश है, अब यानी भीड़ भीड़ जुटेगी नहीं अगर सर्वे के लिए आएंगे अधिकारी तो? नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि भीड़ जुटना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही सख्त आदेश आज कोर्ट का है, और जिस तरीके से पहले दिन सर्वे में अगर उतनी भीड़ नहीं जुटती, वैसे धार्मिक नारेबाजी नहीं हुई होती तो शायद बड़े आराम से वो सर्वे हो गया होता, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ा, माहौल खराब हुआ। देखिए, ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का माहौल बिगड़, हाँ बिल्कुल किसी तरह का कोई टकराव हुआ, खुद प्रधानमंत्री भी ये नहीं चाहेंगे कि इस जगह पे कम से कम जो सौहार्द है सांप्रदायिक वो कहीं से गड़बड़ हो, लेकिन ये सर्वे मुझे लगता है बड़ा ही निर्णायक होने वाला है, अगर ये सर्वे होता है, इसकी रिपोर्ट सबमिट होती है तो ये आने वाले भविष्य में जो देश के ऐसे धार्मिक स्ट्रक्चर हैं उन्हें लेकर के बहुत निर्णायक होने वाला, और बाकियों के लिए भी एक प्रेसिडेंट छोटे में जैसा कि अभी आपने कहा सबको साथ लेके चलने की, तो हमारे प्रधानमंत्री का ये है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबको साथ लेके चलने का उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हाँ सही लेके सबको तो चल रहा है, जब सर्वे होगा तो निर्णय आएगा। सर्वे तो होना है, बिल्कुल होए, लेकिन सर्वे को कोर्ट कितना एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि आर्कियोलॉजी इज नॉट अ प्योर साइंस जी। ठीक है, हम हमारी जी 5 सेकंड में कह रहा कि जहां हम रहते हैं ये काशी है, और ये न मक्के से कम है, न मदीने से कम है, न करबला से कम है, तो कम से कम यहां से ऐसा पैगाम जाना चाहिए कि देश की छवि दुनिया में ऐसे निखर के आए जिस तरीके से गुलाब का फूल निखर के लोगों के सामने आता है।